हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सोमराज स्वागत करता हूँ आपका नए वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं बात करूँगा ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ क्या होता है और ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है। दोस्तों, ये वही दांत है जिससे हम खाते हैं, चबाते हैं और काटते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले दांत का जो ऊपरी परत देख रहे हैं, ऊपरी जो लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं इनामेल। ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से, और ये एक स्पेशल लेयर से बना होता है, इस लेयर का नाम है एमेलोप्लास्ट लेयर। हमारा जो दूसरा जो दिख रहे हैं अवतार, उसमें आपका ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये जो डेंटाइन बनता है दोस्तों, ये बनता है बच्चों, ये बनता है ओडोन्टोब्लास्ट लेयर। इसके बाद हमारा जो तीसरा लेयर है, ये है पल्प कैविटी। इसके अंदर पल्प भरा रहता है, और पल्प के साथ साथ इसमें नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई भी रहता है। बच्चों, इसमें आप लोग दो तरह का दांत देख रहे होंगे, एक है आपका दो रूट वाला, एक है सिंगल रूट वाला। अब आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि दो रूट वाला दांत किस में होता है और सिंगल रूट का दांत किस में होता है। थैंक यू, धन्यवाद।